नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जिस तरह राजस्थान सरकार में भूचाल आया हुआ है, लगातार जो है उठा पटक चल रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आम जनता जब अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनकर भेजती है, तो वो ये कभी भी नहीं सोचती कि उसकी सरकार जो है वो डगमगाए या सरकार पूरे साल 5 साल नहीं चले। वो ये चाहते हैं कि लगातार उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको कि आम जनता से जुड़ाव उनका लगातार रहना चाहिए। लेकिन लगता है कि अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार जो सरकार में उठापटक चल रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रही है, उन सभी को लेकर आम जनता जो है वो लगातार अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां, और इस कोविड महामारी के समय तो जब सरकार को आम जनता के साथ होना चाहिए था, जब हर एक प्रतिनिधि को, हर एक विधायक को, हर एक सांसद को अपने इलाके में होना चाहिए, अपने लोगों के बीच में होना चाहिए, लेकिन लगातार वो लोग जो है कोई 5-स्टार होटल के अंदर बैठा हुआ है, तो कहीं दूसरी जगह वो बाड़ेबंदी में लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में सरकार, आम जनता जो है वो कहां जाए। हमारे साथ आज जो पैनल में मौजूद हैं, मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अलका गुर्जर जी, जो कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विचारधारा के विनय प्रताप सिंह भोपर साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संजय गौड़ साहब। संजय जी आपका, अलका जी आपका, विनय जी और आलोक जी आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं संजय गौड़ जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि आप क्या सोचते हैं, लगातार जो उठापटक कांग्रेस में चल रही है, जो राजस्थान सरकार में चल रही है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप भी एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि इस तरीके की सिचुएशन हमने बैरोसिंह जी के टाइम पर भी देखी है, वसुंधरा जी के टाइम पर भी देखी है, एज वेल एज अशोक गहलोत के भी टाइम पर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। ये जो पूरी सिचुएशन, जब भी गणित इस तरीके की होती है, तो निश्चित रूप से जो विषय है कि भाई इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल विधायकों का होता है, विधायक सब अपने क्षेत्रों को छोड़ करके राजधानी में आ जाते हैं, एक तरीके का एक ऐसा पूरे राजस्थान में या पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन जाता है जी। कि एक आशंका हर दिल के अंदर हो जाती है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपको याद हो तो ललित गेट वाला जब मामला हुआ था, ललित मोदी वाला मामला हुआ था, उस समय वसुंधरा राजे के ऊपर भी ऐसी तलवार थी, वसुंधरा राजे रहेंगी या जाएंगी, ये तमाम चीजें इस तरह से हुई थी। भैरव सिंह जी के टाइम पर भी जब वो गए थे बाहर ऑपरेशन कराने के लिए, तो उनको बीच में ही बिना ऑपरेशन कराए हुए वापस आना पड़ा था अमेरिका से। तो इस तरीके की जब भी स्थितियां पैदा होती हैं राजनीतिक, जिस तरीके का माहौल बनता है, जिस तरीके की तमाम परिस्थितियां बनती हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने ही लोग के ऊपर जब आपस में शक जी जी करने लगते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, डैमेज तो होता ही होता है, पार्टी डैमेज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का भी होता है, जनता का भी होता है, क्योंकि उनके काम अचानक रुक जाते हैं, पूरे ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसके अंदर संशय हो जाता है कि अब क्या करें, कि हम किसका कहना माने, किसका नहीं माने, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये एक असमंजस की स्थिति इस समय राजस्थान में बनी हुई है। बिल्कुल, मैं यही सवाल करना चाहूंगा हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं आलोक जी। आलोक जी, आप क्या मानते हैं कि इसका जो पूरा खामियाजा है वो आम जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि आम जनता तो ये कभी सोचकर नहीं वोट देती कि आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानियां सामने आएंगी, आप क्या सोचते हैं? देखिए दीपक जी, एक विश्लेषक के रूप में मैं कहूंगा कि ये सब बातें जो अभी वरिष्ठ पत्रकार संजय गौड़ जी ने कही, आपने कही और पूरी सब देख रहे हैं, तो ये हमेशा की जो स्थिति इस हिंदुस्तान में होती जा रही है ना। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्धारक और नीति विश्लेषक दोनों का होना आवश्यक होता है।
ऐसा ही नहीं है कि केवल नीति निर्धारक रहेंगे, लेकिन आज क्या हो गया है साहब, आज की जो स्थिति है मैं तो यही कहूंगा कि अब जो सबसे पुराना ये राजनीतिक दल है कांग्रेस, जो हम देश की हालत देख रहे हैं, हम राजस्थान की देख रहे हैं, कहीं की भी देख लो, तो अभी इसका भी पुनरुद्धार आवश्यक हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इस परिस्थिति की हम बात करें तो अभी देखिए कि कोरोना त्रासदी से पूरा विश्व थर्रा रहा है, आप और मैं ही नहीं, मेरा राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व थर्रा रहा है। तो लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि बोया पेड़ बबूल का पुरानी कहावत है, और आप हम टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं, आम आदमी समझ पाएगा इसको कि बोया वे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये चरितार्थ कर दिया राजस्थानी घटनाक्रम ने। कैसे साहब, कि जहाज तो एक है शुरू से ही, कोई पार्टी एक है, पायलट दो है, कोई भी को पायलट बनने को तैयार नहीं था, इनमें केवल सरकार बनी थी उसके पहले दिन से। सारी चीजें आप देख लीजिए, उस दिन से ही मल्लयुद्ध चल रहा है, आपस में आकर कोई भी कितना भी सुलझाने का प्रयास कर रहा हो, सरकार पहले दिन से आईसीयू के अंदर है। हकीकत बात यह है, देखो दीपक जी, आज सब इस कोरोना के चक्कर में आम आदमी आईसीयू का मतलब समझता है। ये हम विनय प्रताप जी से पूछ लेते हैं। विनय प्रताप जी, जैसा कि अभी आपने संजय जी को भी सुना, आलोक जी को भी सुना, इनका एक कहना है और आलोक जी का विशेष रूप से कहना है कि सरकार जो है वो पहले दिन से आईसीयू में है। क्या कांग्रेस पार्टी में युवाओं को वो महत्व नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए था? क्योंकि लगातार हम पिछली घटनाक्रम की बात करें, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या हरियाणा की बात करें, कहीं की भी महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, वहां पर युवाओं को दरकिनार किया गया। आप खुद युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं खुद युवा हूं, युवाओं को मेरे को 30 साल की उम्र में पार्षद का टिकट पार्टी ने मुझे दिया, अशोक लाहौटी के सामने मैं चुनाव लड़ा, और मैं आपको बताऊं किसी युवा को दरकिनार नहीं किया है। ये आपकी परिवार जब बड़ा होता है तो छोटे मोटे हर जगह होते हैं, और ये जो बड़ा काम हो रहा है ना, जब से ये अभी बोल रहे थे हमारे बीजेपी के साथी और मतलब विश्लेषण की बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनको, क्योंकि ये बीजेपी में है, मेरे मित्र हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, जब से मैं तो सारी विचारधाराओं की बात करता हूँ, मैं निष्पक्ष विश्लेषक रहता हूँ विनय प्रताप जी, जो मुझे जानते हैं, मैं किसी व्यक्ति और पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आज इस बात को। नहीं, आप अच्छी बात है, लेकिन आप जुड़े हुए उन्हीं से थे। हाँ ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, आप अपनी कांग्रेस की विचारधारा बताइए, लेकिन मैं तो मानवता और इंसानियत के लिए बच करूँ। जब से देखिए, जब से 6 साल से मोदी जी आए ना, तब से देश में ऐसी स्थिति हो रही है, क्योंकि ये इनका काम है सरकार। जी आप मोदी जी को छोड़िए, आप पहले अपने घर की कलह के बारे में बात कीजिए। हमारे घर में कलह ही नहीं, देखिए कलह नहीं है तो फिर क्यों 18 से 20 विधायकों को लेके हरियाणा के होटल के अंदर बैठे हुए? दीपक जी मैं तो विनय प्रताप जी का सारे लोग आभार व्यक्त करो, आज विनय जी आ गए, ये कम बात है क्या? कांग्रेस ने तो कितना बड़ा भाड़ा लगा है कि हाँ विनय जी को परमिशन लेके आयो क्या? सरकार हमारी सुरक्षित है, आपने लिखित परमिशन ले ली क्या डोटाफ्रा जी से? आलोक जी, पैसे का प्रबंध कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि लोगों को बढ़ाने का काम। अरे भोपर जी, आपने लिखित में परमिशन ले ली क्या? आलोक जी एक सेकंड, मेरा विनय जी से सवाल इतना सा है कि नरेंद्र मोदी ने चाहे कुछ भी किया हो, अमित शाह ने कुछ भी किया हो, क्या जो सचिन पायलट नाराज हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के कारण नाराज होके गए हैं या कांग्रेस की नीतियों के कारण? या इसका जवाब दीजिए, इसलिए जवाब दीजिए आप। पहली बात तो घर में लड़ाई होती है ना, जो परिवार बड़ा होता है तो नाराज कहीं नहीं है। उन्होंने अभी भी कहा है कि वो बीजेपी में नहीं आएंगे, शायद आपने उनका व्यक्तित्व सुना होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहा है उन्होंने, नहीं वो विचारधारा के नहीं है। अब परिवार में कई बार टकराव हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ राहुल जी। अरे अभी अभी एक घंटे पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दीपक जी, उन्होंने मुख्यमंत्री की विचारधारा अलग है, मुख्यमंत्री नहीं चाहते किसी भी तरह से, जिस तरह से उनका जो बयान आया था अभी मीडिया के सामने, सचिन पायलट पैसे लेते हैं, ये मुख्यमंत्री के शब्द है। एक घंटे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, मीडिया के सामने कहा कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे बीजेपी की इस पूरी प्लानिंग के साथ, अगर कोई डिप्टी सीएम इस तरह शामिल होगा। और दूसरा जो सुरजेवाला जी है वो बचाव की मुद्रा में, वो कह रहे हैं कि वो कभी भी आ सकते हैं, तो दोनों की विचारधारा भी अलग है। मैं दीपक जी, पैसे का प्रबंध देखो, बीजेपी वाले सरकार को घेरना चाहते हैं, आपके सामने दिए क्या? बीजेपी वाले दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए हम लोगों को। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, तो देखिए, चलिए चलिए आलोक जी, आलोक जी, मैं इस बात का जवाब इस बात का जवाब भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष से ले लेते हैं। बिल्कुल विनय जी, इस बात का जवाब मैं अलका जी से लेता हूं। अलका जी आप बताइए, जो विनय जी हैं कांग्रेस का ये आरोप है कि आप इसके पीछे पूरा षड्यंत्र कर रही हैं, आप लोग लालच दे रहे हैं, आप लोगों ने सचिन पायलट को पूरी तरह से बरगला दिया। अलका जी
देखिए दीपक जी, शांति से हम अपनी बात कह सकते हैं, इतने उत्तेजना की जरूरत नहीं है जैसा भोपर जी दिखा रहे हैं। भोपर जी सुनने का मौका रखे, सुने फिर उसके बाद आप बिल्कुल बिल्कुल बोलिए अलका जी बोलिए। इतिहास में पहली बार होगा कि पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, सब झगड़ा चलता रहता है, पार्टी का अध्यक्ष वो नाराज, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष वो नाराज, सेवा दल का अध्यक्ष वो नाराज, आप तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब भाजपा कहाँ से आ गई इसके अंदर? हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, अपना घर नहीं समझना। आप अपनी झगड़ा है और झगड़ा देश हो गया था जब शपथ ग्रहण के समय बीजेपी जो है वो इस तरह की झगड़े करवा रही है कांग्रेस में, तो पहले अलका जी से जवाब लेने दीजिए। अलका जी बोलिए अपनी बात पूरी। मैं वही बता रही हूँ दीपक जी, डे वन से इनका झगड़ा स्टार्ट हो गया था जब वो कुर्सी रखने की बात आई। ये वर्चस्व की लड़ाई अंतर कल है और पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। और ये वर्चस्व की लड़ाई यहाँ तक थी कि ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इनका जो दिल्ली दरबार जो परिवार बैठा हुआ है उसके पास पहुंच जाते थे। राजस्थान की जनता की सुध लेने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। जो योजनाएं, जो पैसा केंद्र से आता था राजस्थान के लिए, उसका उपयोग ये नहीं कर पाए। चाहे आप किसान सम्मान निधि ले लो, और लूट और झूठ की राजनीति चल रही, कहीं कोई मतलब आम जनता ठगी हुई महसूस कर रही थी कि क्या राज हमने, मतलब हमने इनके हाथ में लोकतंत्र में इनको जब सत्ता सौंपी है तो इनका नैतिक कर्तव्य है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप काम तो करे। आप, मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ कि जो काम हमारी सरकार ने किए थे उन पे कंप्लीशन, हमारे समय में जिन पे थोड़ा सा बाकी था उस पे पत्थर लगाने का इन्होंने काम किया है जी। एक भी नया काम चालू नहीं हुआ है। किसान सम्मान निधि नहीं करवा पाए, और अभी लेटेस्ट हमारे जो माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है जल शक्ति मंत्रालय के, पानी की समस्या वर्ल्ड में है लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में है। संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, अलका जी मैं आप पर आपके पास वापस आऊंगा, बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगा। मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी अभी आपने तीनों लोगों को सुना, कांग्रेस को भी सुना, सुनाई देगी सालों से देखते आ रहे हैं। तो संजय जी से मेरा एक सवाल है, विनय जी बिल्कुल आपकी बात को पूरी डिबेट की तरह चले तो सबकी आवाज, सबकी बात जो है सुनाई देगी, ताकि हमारी जो जनता है वो भी एक निष्पक्ष राय अपनी बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अलका जी एक सेकंड, मैं एक बार संजय जी सवाल कर लूं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। संजय जी मेरा आपसे एक सवाल है, एक मैगजीन के अंदर, राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिका है उसके अंदर कुछ देर आज, यानी कि जो सचिन पायलट है उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा अशोक गहलोत से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कांग्रेस से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा जो कांग्रेस ने राजस्थान में वादे किए थे लोगों से, जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी, वो बातें सरकार दो साल के करीब होने को आई है लेकिन अभी तक पूरे नहीं कर पाई है। मेरे पास कोई फाइल नहीं आती थी हमारी, और दूसरे विधायकों की, मंत्रियों के, विधायकों की कोई मीटिंग नहीं हुई। मैंने अनेकों बार आला कमान से, जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी उनसे, और कई सीनियर नेताओं से कहा था लेकिन वो आम जनता की बात नहीं सुन पा रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे वो अब तक वादे पूरे नहीं कर रही है अशोक गहलोत सरकार, इस पर उन्होंने कहा था। तो क्या आप मानते हैं कि ये आरोप जो है वो सही है सचिन पायलट के, जो अशोक गहलोत के ऊपर लगा रहे हैं? दीपक जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सचिन पायलट को आज आकर के कुछ तो बोलना ही था जी। आप ये मानिएगा ठीक है, और ये माइल्ड इंटरव्यू है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत खरा खरा इंटरव्यू नहीं है जैसी आशा की जा रही थी कि हो सकता है सचिन पायलट नई पार्टी बना लें या हो सकता है कि वो बीजेपी में चले जाएं। असल में आप इसके नंबर गेम को समझिए, सचिन पायलट के पास में जो नंबर गेम है वो उतना नहीं हो पाया जितना बीजेपी को भी जरूरत थी और या वो कांग्रेस की सरकार को गिरा पाते। तो अब चूंकि जब ये पासा पलट गया, इसमें आप थोड़ा सा आप इसको
एक पत्रकार की दृष्टि से देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि अशोक गहलोत ने समय रहते हुए, मतलब उनके पास में उनको इतना टाइम मिल गया कि वो रोक पाए। और आप इंपॉर्टेंट, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं आपको कि ये जो तीन विधायक थे, एक प्रद्युम्न जी का लड़का दानिश अबरार, ये जो लोग थे इनको वापस जब ये लेकर के आए, जिसमें प्रद्युम्न सिंह जो खुद इन्वॉल्व हुए राजाखेड़ा वाले, क्योंकि वो कट्टर कांग्रेसी थे, वो जब वापस आए तो अशोक गहलोत की हिम्मत और बढ़ गई। तो जो 30 का फिगर था वो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18-19 पर टिक गया जाकर के, जो 30 का फिगर खत्म हो गया, सारे लोग इधर आकर के बाड़ेबंदी में आ गए। अब बार बार बाड़ेबंदी की आती है, बाड़ेबंदी सब लोग करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, इन्होंने भी गुजरात में की है, इन्होंने कर्नाटक में की थी, इन्होंने मध्य प्रदेश में की है, सब सब सत्ता में करते हैं। और मैं आपको पावर सेंटर की बताता हूँ कि अब क्या कहे, तो अशोक गहलोत को निशाना बांधते हुए सचिन पायलट ने अपनी बात कही कि कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस की तरफ रहे, ऐसा नहीं हो कि बहुत हार्ड डिसीजन अचानक निकल जाए। हालांकि अशोक गहलोत बिल्कुल, अगर आप उनके बयान देखेंगे या सब कुछ देखेंगे या इस समय की उनकी रणनीति देखेंगे, तो अशोक गहलोत मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट की वापसी हो या किसी भी रूप में। अभी जो थोड़ी देर पहले उन्होंने शाम को अपने जो उन्होंने बयान स्पष्ट रूप से कह दिया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि ये हॉर्स रीडिंग में थे। दूसरी चीज देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहता है, आप समझिएगा इस बात को, तो कोई ना कोई उसके पास में पुख्ता जानकारी होती है, ये आप मान के चलिएगा। ऐसे हवा में बात अशोक गहलोत नहीं कर सकते, और कोई कर सकते होंगे, पार्टी के और अदर पदाधिकारी कर सकते होंगे, लेकिन उनके पास में कोई ना कोई ऐसी सोर्सफुल इंफॉर्मेशन है जिससे उनके पास में ये है कि ये जो तमाम लोग हैं ये कहीं ना कहीं सरकार को अपदस्थ करने की या उसके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, इतना ही पर्याप्त था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विनय जी आपके पास आना चाहूंगा, जो संजय जी बात कर रहे थे, जिस तरह से अशोक गहलोत ने पूरे पुख्ता चीजें जो है रखी है मीडिया के सामने सचिन पायलट को लेकर, और उनके जो बयान है उससे लगता है कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में वापस आए, उनको बिल्कुल रास्ता साफ चाहिए। लेकिन दूसरी बात, बहुत से जो उनके समर्थक हैं, जो आम जनता भी है, जो हम इस समय सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, वो लगातार ये चाहती है कि लगातार 5 साल तक जब सचिन पायलट ने जो मेहनत की है उसका फल उनको पूरी तरह से नहीं मिला, यानी कि उस युवा को दरकिनार कर दिया। आप क्योंकि खुद अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के करीबी रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है और करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किससे चूक हुई है, सचिन पायलट से चूक हुई है या फिर अशोक गहलोत से चूक? देखिए, ये चीजें तो चूक किससे हुई है ये तो अशोक जी बता सकते हैं, अगर अशोक जी से हुई है तो, या पायलट जी से हुई है तो पायलट जी। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा गेम हुआ है ना, जब से एमपी में जो सरकार गिरी, आपको पता है किस तरह से षड्यंत्र रचे हुआ, ये वो ही लोग इसके पीछे थे। क्या आपके लोग इतने कमजोर हैं क्या? आपके हमारे लोग कमजोर नहीं है सरकार ने की, लेकिन इनका क्या मनसूबा मोदी जी का ऐसी है, इनको कोरोना से मतलब नहीं है, इनको किसी की बीमारी से मतलब नहीं है। देखिए विनय जी, विरोधी व्यक्ति तो अपना काम करेगा, उन्होंने तो कह दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, ये इनका लक्ष्य है। राज्यसभा के इलेक्शन थे उसमें भी रमेश मीणा जो है वो रूट रूट के जा रहे थे, बाद में आ रहे थे, तो राज्यसभा के इलेक्शन में भी कहना है सबसे अलग जी। मुझे एक स्वतंत्र विश्लेषक के नाते कुछ कहना है जी। विनय जी, मैंने आपको सुना, भोपर जी एक बार सुने, विनय भोपर जी पहले आपसे निवेदन है कि पूरी बात सुनना, मैंने आपकी बात सुनी है, बीच में ना टोकना जी। तो मैं बता देता हूँ दीपक जी, एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आज मैं एक बात कर रहा हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप वाली नीति पर। हमने सबने देखा कि कोई एमपी का नाम लेता है, कोई कहाँ का नाम लेता है, कोई बीजेपी का नाम ले रहा है। अगर आप राजनीतिक दल हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए कहता हूं मैं, तो जनहित अगर आपकी आत्मा में बसा होता है तो दर्शाया नहीं जाता, वो स्वमेव नजर आता है। जनहित को लेकर आप आते हैं चुनाव में, तो जनहित अगर आपकी आत्मा में बसा होता है तो दर्शाया नहीं जाता, स्वमेव नजर आता है। बकरा, घोड़ा, गधा, आप क्या क्या इंसान को बनाना चाहते हैं समझ नहीं आता। समस्या यही है, आज की जो कड़वी समस्या है ना दीपक जी, जो चल रहा है द्वंद, उसमें यही है कि एक आज चरवाहा बनकर औरों को भेड़ बनाकर रखना चाहता है, और जो आवाज उठाता है उसे संचयी प्रवृत्ति की तानाशाही मानसिकता के बुलडोजर के द्वारा कुचल दिया जाता है। एक और बात, सबसे बड़ी बात देखने योग्य है कि बुलडोजर खुद चलता है। देखिए आप, बुलडोजर खुद चलता है लेकिन भारी भरकम बुलडोजरों के द्वारा
आरोप हवा पे लगाया जाता है, अंतर्द्वंद्व है यहाँ पर, सबको नजर आया, घर की लड़ाई भी सबको नजर आ रही है। सुनने खुद विनय जी ने कह दिया कि साहब हमारे घर की लड़ाई थी, तो एक दूसरे को जब घर की नजर आ रही, एक दूसरे को जब पहले दिन से, एक मिनट मेरे को बात पूरी करने दें कि एक दूसरे को पहले दिन से आर्या पार दिखाना चाहते थे और सहारा इस बात का ले रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, तो वही बात हो गई कि भारी भारी बुलडोजर चल गया और बोला कि साहब हवा ने धक्का मार दिया इसलिए मैं चल गया। लेकिन बीजेपी हवा तो लगाती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को आप ये कहते हैं कि बीजेपी संजय गौड़ साहब, मैंने गौड़ साहब क्या कहा, मैं स्वतंत्र विशेषज्ञ हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने अच्छा किया, हवा लगाई होगी, बार बार अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरीके का खेल और राज्यों में कर रही है ठीक उसी तरीके का पैटर्न यहाँ लगाया है। आप पत्रकार हैं, सेम पैटर्न है, 2019 के चुनाव अलका जी से ले लेते हैं, अलका जी आप एक लाइन कहूंगा, दीपक जी एक लाइन कहूंगा, प्रियंका गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बात कही थी कि मेरे भाई को धोखा हमारे आदमियों ने दिया है, आप चेक कर लेना, ये प्रियंका जी का बयान था, आलोक भारद्वाज का बयान नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि पैसा दिया जाता है, कोई बात नहीं था, मैं मना नहीं कर रहा, किसी ने प्रपोजल नहीं रखा होगा पैसे का, हो सकता है रखा हो भाजपा ने, लेकिन आपने ऐसे व्यक्तियों को चुनाव का, अरे आपने, आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, इतना बड़ा दल है, आप ऐसे लोगों को लाते क्यों जो बिक जाते हैं। आप एक बात सुनो, आप अभी क्या कह रहे थे, आज अशोक गहलोत जी ने एक बात कर दी ना जी, लास्ट बात सुन ले दीपक जी, आखिरी बात आज क्या था, ईडी का सीबीआई को, अरे भोपाल जी सीबीआई और ईडी के मुख्य, एक मिनट सुन ले, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, दीपक जी एक लाइन कह के विराम दूंगा, एक लाइन दीपक जी प्लीज, एक लाइन कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई छापे डलवाए गए, इनकम टैक्स, आलोक भारद्वाज स्वतंत्र विशेषज्ञ, सुनो अब तो सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, आप, मैं हूँ, मेरे पास भेजिए, कोई भी रात को छापा डलवा दो अगर मैं स्वतंत्र हूँ, देखिए जो किताब खुली किताब है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी जिल्द की कवर में अगर कुछ है ना तभी आपके दर्द होता है, नहीं तो छापे आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं साफ हूँ तो बचाओ, छापे आओ ना मेरे घर भेजो रात को 2 बजे सीबीआई, आलोक भारद्वाज तैयार है, आलोक जी कुछ जवाब सुनो, हर हर चेहरे पे मोदी जी निकल गए, क्या कहता भाई, अच्छा माल खाओ, मोदी जी ने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जनता की क्या गलती है, अरे जनता की क्या गलती है जो सत्ता लोगों पार्टियों को वोट देती है, जनता की गलती क्या है, बता देना यार। चलिए विनय जी, आलोक जी, हम इस पे चर्चा करेंगे, विनय जी, आलोक जी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। संजय जी का एक सवाल था कि ये जो हवा लगाने का काम है ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी कर रही है, अलका जी आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को सत्ता की लोलुपता इतनी हो गई है कि जहां उनकी सरकार नहीं है वो वहां सरकार गिराने का काम करेंगे, ये लोकतंत्र नहीं होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं जब अपना जवाब दूंगी लेकिन मैं चाहूंगी कि शांति से मेरी बात सुनी जाए, मैं जी नहीं सुन रहे, बिल्कुल आप बोले हम सुनेंगे आप, हाँ शांति से सुने, तो देखिए सत्ता की लोलुपता भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी, कांग्रेस आज वैचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है, और ये सत्ता की लोलुपता, आप जवाब दीजिएगा, आप मैं सुनूंगी आपका, लेकिन प्लीज मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट करिए, आर्टिकल 356 का 93 बार दुरुपयोग किया है कांग्रेस, और आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर, इससे जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा जी को संविधान से ऊपर कर दिया था, कानून से ऊपर नहीं, संविधान से ऊपर 42nd अमेंडमेंट करके, ये कांग्रेस ने किया था, तो जन भावना जनता की बात, ये तो कांग्रेस का दूर दूर से इसका नाता नहीं है, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आज कांग्रेस के ही लोग, मैं नहीं कह रही, संजय झा जो आप लोग सब जानते होंगे इनके प्रवक्ता रहे, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि कांग्रेस में बोलने वाले की आवाज बंद कर दी जाती है, उनको भी कल निलंबित, तो बहुत से नेताओं ने ये बात कही है, कांग्रेस के ही नेताओं ने, बहुत से नेताओं ने, मुरली मिलिंद देवड़ा हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, मतलब युवा नेता तो इनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि इनका जो सर्वश्रेष्ठ युवा जो बैठा हुआ है, जो आज कॉमिक कैरेक्टर एक है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, बीजेपी को युवा पसंद है, वो सारे युवा बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, देखिए बीजेपी को युवा भी पसंद है, अनुभव भी पसंद है, क्योंकि बीजेपी वैचारिक आधार पर राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी है, हम एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारी विचारधारा है, तो हम उनसे समझौता नहीं करते,
और जहां तक आप कह रहे हैं डिस्टर्बेंस, इसमें हमारा क्या लेने देना है, इनके सारे जो संगठन है सर्वोच्च, आप अलका जी विचारधारा की बात करिए, इस पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने जो विचारधारा की बात कही, क्या आप कांग्रेस की विचारधारा वालों को भी अपने अंदर शामिल कर रही हैं? एक देखिए, अगर अगर उनका मन चेंज हो जाता है और वो हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करके हमारे साथ देश के को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं दीपक जी, ये बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की प्रशंसा की है कोविड के लिए, आज तो इनको 3 दिन से बैठे हुए 5-star होटल में, सरकार को विकास के कामों के लिए पैसा नहीं था इनके पास, कोविड महामारी में लोगों का इलाज करना और जो प्रवासी आए उनके लिए व्यवस्था ये नहीं कर पाए, लेकिन ये कह रहे हैं भीलवाड़ा जो बड़ाई की थी, हाँ की थी, क्योंकि हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं, भीलवाड़ा में जो काम किया था वहां की मशीनरी ने, निश्चित रूप से मशीनरी कोई काम करती है तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको उसको जाता है क्रेडिट, उसकी बड़ाई की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रामगंज में क्या हुआ, रामगंज के फेलियर को भी स्वीकार करिए, आप क्यों नहीं मानते, क्या क्या मुख्यमंत्री अलग है रामगंज के लिए और भीलवाड़ा के लिए, तो ये आप स्वीकार करिए कि कोविड में आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, आपका प्रबंधन बिल्कुल कमजोर है, आपका प्रबंधन बिल्कुल कमजोर है, आपका संगठन बिल्कुल कमजोर है, और आज स्थिति, आज स्थिति ये हो गई है कि राजस्थान का जनता, युवा हो, महिला हो, किसान हो, आम जनता बहुत परेशान है, पशोपेश में होकर देख रहा है कि ये कैसी सरकार, क्योंकि राजस्थान ऐसी ऐसी जगह है जहाँ की जनता सबसे भोली भाली है, और वो उसने कभी इस तरह के नाटक और ऐसा ऐसा नाटक नहीं देखा कि सत्ता के लिए, राज के लिए 5-star 7-star होटल्स में लोग जाकर बैठ रहे हैं, वहाँ ये तो बीजेपी के समय भी हुआ है, ये तो बीजेपी का ही है, और ये तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अलका जी, मैं एक पत्रकार की दृष्टि से आपको बताता हूँ, पूरे भारत में कोविड के समय में ये बहुत जरूरी, कोविड की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, कोविड की सिचुएशन में बता रहा हूँ कि राजस्थान की जो कोविड की कोरोना स्प्रेड रेट है वो बहुत कम है, डेथ रेट बहुत कम है, मतलब कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा नहीं कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन बार बार अपने पेट में कपड़ा है, कोरोना से पूरा देश जवाब दें, विनय जी जवाब दें, संक्षिप्त जवाब दें, यहाँ अभी मेरे मीडिया के साथी बोल रहे थे कि रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट यही हुए हैं, आप यूपी चले जाओ, एमपी चले जाओ, जहां की सरकारें हैं वहां इनके पास, गुजरात मॉडल का क्या हुआ, गुजरात मॉडल का क्या हुआ, आज का विषय कोरोना नहीं है, आज का विषय राजस्थान की जनता, जो लगातार राजस्थान की जनता है, उससे जो आम जनता का जो प्रदेश का विकास होता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, विनय जी आप उस पर जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश का विकास जो है इस तरह के, मेरा बिना 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 भोपर जी एक प्रश्न है मेरा, बिना 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 भोपर जी एक प्रश्न है मेरा, बिना भोपर जी देखो पहले प्रश्न पूरा सुन लेना, पूरा प्रश्न सुन लेना, हालांकि मैं इसको अंत में कहना चाहता था, लेकिन अब आप हो तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ आपसे, कि आप देखिए कि अभी दीपक जी बात हो रही थी जनता की और सबकी, तो तानाशाही वाली बात अगर नहीं है तो विनय प्रताप जी इतना सा बता दें मुझे कि आपको ये पता है कि आपके यहाँ पे एक नया निर्देश कल निकला था कि कोई भी अगर कांग्रेस का प्रतिनिधि मीडिया से, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मीडिया से अगर बात करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ये निकला था या नहीं निकला, या मेरे को गलत ध्यान है, ये तो एक साल पहले क्या अभी दिल्ली से भी निकला हुआ है, बात कर रहा हूँ, मान लीजिए जिला प्रशासन के साथीवादी है, उनके बिना परमिशन के नहीं आता हूँ, और मुझे परमिशन है, तो मैंने ये नहीं कहा आप आए कि नहीं आए, आप बात तो सुने, मैं आप पे आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, अरे मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ कि देखिए कितनी बड़ी स्थिति है, दीपक जी खुद कह रहे हैं कि परमिशन लेके आए, तो दीपक जी वो तो देखो किसी पार्टी का, वो तो पार्टी के नियम है, दीपक जी मैंने क्यों कहा वो तो दीपक जी मैंने क्यों कहा, पहले भी दिल्ली से भी आदेश आया था कि कोई भी जो कांग्रेस का प्रवक्ता है वो मीडिया के सामने नहीं जाएगा, बीजेपी में भी ऐसा आदेश है, ये ऐसा नहीं है कि हर कोई बोलेगा, किसी पार्टी के ऊपर वो नहीं है, तो मैं तो दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, गौर साहब हमारी जो साहब मैं राजनीतिक दलों से कह रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता जब स्थितियाँ बदलती है, नहीं आलोक जी जब स्थितियाँ बदलती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा
इस तरीके के निर्देश देने पड़ते हैं आलाकमान को, नहीं तो क्या होता है कि अनर्गल बयानबाजी शुरू हो जाती है, बहुत सारी खेमेबाजी शुरू हो जाती है। आप समझिएगा मेरी बात, आप मेरी बात सुने गौर साहब, आप दो चीजें समझिए, आप राजस्थान में जमाना भी आपने देखा है कि जब हम केवल अखबार पढ़ा करते थे, और आज का जमाना भी है कि आप मोबाइल तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें लेकिन आप उसकी रोकोगे, उसकी लिखाई थोड़ी रोक रहे हो। नहीं नहीं, आप एक समझिए कि ये अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि वो किसको अधिकृत करता है, इसलिए तो प्रवक्ता बनाए जाते हैं। आज पीसीसी जो पूरी कमेटी सस्पेंड हो गई है, एक भी प्रवक्ता वहां पर नहीं है, तो ये निश्चित रूप से ये वाली बात है कि हर कोई प्रवक्ता ना बन जाए, इसलिए ये निर्देश दिए जाते हैं कि बहुत जल्दी जैसे ही दोबारा संगठन का काम शुरू होगा, जो भी मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ये सब वापस अपने प्रवक्ताओं को भी सूची जारी करेंगे, तमाम चीजों की सूची जारी करेंगे, क्योंकि देखिए जो अध्यक्ष होता है लगभग प्रवक्ता उसी के होते हैं। अब अध्यक्ष नहीं है तो प्रवक्ता अच्छा। क्या बोलेंगे, किस मतलब तरीके से बोलेंगे आप? कुल मिला के बात ये हो गई कि जो आपका जगह पर है, हर जगह पर है, राजनीतिक दल हो, ये हर जगह है ना, जनता के हितों का ध्यान कौन रखेगा साहब? बिल्कुल, मेरा पार्टी अपना ध्यान रखेगी, मैं अध्यक्ष का आदमी हूँ, अध्यक्ष का ध्यान रख लूंगा, जनता का ध्यान कौन रखेगा? जनता का ध्यान कौन रखेगा? कि जो आम जनता है अभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि लगातार पिछले उसका ध्यान कौन रखेगा? 2 बार बाड़ेबंदी हो गई, 2 बार राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ, 5-स्टार होटल में बैठे रहे, आम जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, COVID-19 के चक्कर में उनके सुबह शाम की रोटी की परेशानी चल रही है। यार ये तो रोकना ऐसे हो गया कि एक चापलूस खेमा पूरे गांव में कर्फ्यू लगाकर विधायक आम जनता संजय गौड़ साहब, संजय गौड़ साहब आप पत्रकार हैं, दीपक जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं दोनों पत्रकारों से बात करूंगा, इसका जवाब संजय जी एक सेकंड, संजय जी जी, संजय जी आप और दीपक जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतनी सी बात कहूंगा मैं आपसे कि ये जो आपने कहा ना कि नहीं साहब ये ऐसा होता है प्रवक्ता का, ये अध्यक्ष का होता है, दोनों पार्टियों के लिए मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ एक विश्लेषक के नाते, तो ये तो वो बात हो गई कि गांव में जो चापलूस खेमा होता है ना, कर्फ्यू लगा के क्या कहता है कि या तो भाई सरपंच की चलेगी, सरपंच की सुनो, आम आदमी की नहीं सुनी जाएगी, क्या हो गया, लोकतंत्र कहाँ गया? आप बताओ भारत के लोग थे, ये तो वो बात हो गई कि एक आदमी जनहित के लिए हम काम करेंगे, ये तो कहना उसी प्रकार हो गया कि एक व्यक्ति मंच पर शराब के नशे में चूर होकर आता है और नशा मुक्ति अभियान का दीप प्रज्वलित करना चाहता है कार्यक्रम में, नशा मुक्ति अभियान जो लाओगे दीपक भाई मैं एक बहुत इंसिडेंट हुआ था जी। देखिए क्या होता है कि विपक्ष ही सवाल उठाता है, आप ये मान के चलिएगा, चलिए सत्ता सो रही है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन अभी इस समय विपक्ष क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं, विपक्ष केवल ये इंतजार कर रहा था कि सचिन पायलट सुबह क्या घोषणा करते हैं, इसके उसके हिसाब से गुलाबचंद कटारिया का स्टेटमेंट आया है कि हमने अपनी बैठक टाल दी है क्योंकि हम केवल ये सोच रहे हैं कि सचिन पायलट क्या डिसीजन लेते हैं जी। बिल्कुल, आपकी 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 याद हो तो आपकी मीटिंग होने वाली थी, वसुंधरा राजे आने वाली थी, मीटिंग में आने वाली थी, लेकिन वो सब पोस्टपोन हो गया क्योंकि सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और वसुंधरा जी आप सुरक्षित हो गए। गुलाबी का स्टेटमेंट है, अलका जी गुलाबी का स्टेटमेंट है, मैं गुलाबी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, मैं अलका जी संजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे एक सवाल है अलका जी, कि कल तक तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जयपुर आने का मीटिंग होने का कार्यक्रम पूरा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही आज सुबह सुबह या देर रात को ये पता चला कि सचिन पायलट अब बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, तो वसुंधरा जी को भी लगा कि चलो मैं भी सुरक्षित हूँ, उसके बाद मीटिंग भी नहीं हुई और वसुंधरा जी भी नहीं आई। आप क्या सोचती हैं, क्या वसुंधरा जी को खतरा नजर आ रहा था? नहीं जी, हमारे यहाँ हमारा हर कार्यकर्ता सुरक्षित है क्योंकि हम विचारधारा आधारित पार्टी है, वैसी नहीं है कि किसी के दरबार में जाके हाजिरी देनी नहीं, वो तो पता है, जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बात हुई थी तो 76-77 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था वसुंधरा जी, बहुत बड़ी बात है, सबको पता है, दोनों ही पार्टियों में है और सत्ता के केंद्र हैं, सत्ता के 2-3 केंद्र होते हैं। अभी आप देखिएगा सतीश पूनिया है या राजेंद्र राठौड़ है जो आपको एक मंच पर नजर आते हैं, उधर से शेखावत जी है, आप ये ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट अगर पूरा खेमा लेकर के बीजेपी में आ जाते हैं, विश्लेषक हूं लेकिन मैं सतीश पूनिया को भी व्यक्तिगत जानता हूं और आपको भी जानता हूं,
तो ये आप बता दीजिए पूजा के साथ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बना क्या कांग्रेस ने सचिन पायलट के लिए अरे आप समझिए कांग्रेस आज अपनी बात कह रही है कि 2003 में जो आदमी ज्वाइन करता है 2003 में कांग्रेस को ज्वाइन करता है उसे केंद्रीय मंत्री बना देते हैं सांसद बना देते हैं पीसीसी चीफ बना देते हैं डिप्टी सीएम बना देते हैं ये भी तो बीजेपी में नहीं बात मेरी बात मेरा ये कहना है मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं पार्टी पॉलिटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट ये है तत्व ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इतना आसान नहीं है कि वो सरकार बना लेगी जी सरकार बनाने का हमें जनादेश ही नहीं मिला है तो हम सरकार बनाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना हमें जनादेश पहली बार नहीं हुआ है वसुंधरा के टाइम पर भी हमने देखा है इतना ही लंबा ड्रामा देखा है बहुत लंबा ड्रामा देखा है बिल्कुल बिल्कुल वसुंधरा राजे खुद रूस के चली गई थी उन्होंने कई दिन तक आलाकमान से बात नहीं करी थी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आपको याद कटारिया जी नाराज होकर दिल्ली चले गए थे बहुत सारी चीजें हैं कटारिया जी अलग संजय आप विश्लेषक के नाते एक बात पूछूंगा अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ 120 वोट मिले थे कांग्रेस को अब क्यों उन्होंने ये लफड़ा क्यों हुआ अब ये तो बता दो ना 120 अगर वोट थे राज्यसभा में सबको पता है क्या हुआ कांग्रेस भी रहेगी बीजेपी भी रहेगी और जो तीसरे फ्रंट की बात करें या जो दूसरी पार्टियां हैं रीजनल पार्टियां वो भी रहेंगी लेकिन आम जनता जो है हमारा आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आम जनता का क्या दोष है उसके विकास को क्यों रोका जा रहा है आखिर आम जनता जाए तो जाए कहां विनय जी आप पहले इस बात का जवाब दीजिए क्योंकि आपकी सरकार इस समय संघर्ष कर रही है आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है कोरोना के पूरे टेस्ट मारे हो रहे हैं अनाज से लेकर हर चीजें मिल रही है सबसे इम्पोर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी देखिए एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूशन करती है ना मशीनरी जो एग्जीक्यूशन करती है वो उसको संदेह हो रहा है असल में आप समझिए इस बात को कि एग्जीक्यूशन करने वाली जो प्रशासनिक मशीनरी है वो अभी ये नहीं सोच पा रही है कि यार हम अपने एमएलए की बात माने नहीं माने हम अपने कलेक्टर की बात माने नहीं माने अगर हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि कल कोई दूसरी सरकार आ जाएगी मुझे पनिशमेंट कर दिया जाएगा तो जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी जब तक लोगों में ये विश्वास नहीं होगा या प्रशासन शासन में विश्वास नहीं होगा कि स्टेबल गवर्नमेंट है तब तक तो दीपक जी पब्लिक सफर करेगी ये तय बात है बिल्कुल संजय गौर साहब एक बात का जवाब दें संजय गौर साहब मुझे कंफर्म करें आप कि राजस्थान में क्या रात का कर्फ्यू है या नहीं दीपक जी एक सवाल है आपसे और संजय जी से आप दोनों पत्रकार हैं जनता की बात रखते हैं तो ये बता दें कि राजस्थान में रात को 10 बजे बाद अभी कर्फ्यू है या खत्म हो चुका है हाँ या ना कर्फ्यू है ना तो कल देर रात्रि को जो गजेंद्र सिंह शक्तावत उदयपुर में उनके निवास पर मौजूद नहीं थे सबको पता है उनकी वाइफ को जगा के धक्का मार के इसी प्रशासन को भेज के जो नोटिस गलत है हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं आप बताओ क्यों विरोध महिला के बाद रात को 2 बजे जगाने विधायकों के साथ क्या किया गया है ट्राइबल पार्टी के विधायकों को बताओ ना आप उनको बिचारों को क्यों मिला उस महिला को रात को आप महिला को परेशान कर रहे हो रोका जाता है अगर किसी विधायक को बंदी बनाया जाता है तो हम उसके भी वो गलत है और 12 बजे रात को माता उस माँ बहन मेरी माँ हो आपकी माँ हो मेरी बहन हो आपकी बहन हो मुख्यमंत्री जी की बहन हो सब सम्माननीय महिलाएं रात को 2 बजे महिला को कुंडी बजाई जाती है क्यों क्यों डराया जाता है जबकि पता है कि उनके पति वहां नहीं है सीमा भी है चलते चलते अब मैं सभी से एक बार ये जानना चाहूंगा कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या आम जनता अगली बार अगर वोट देने जाएगी तो वो क्या सोच के दिए
क्योंकि आज हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी के व्यक्ति को वोट दिया है और पता चला दो महीने के बाद उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, या कोई कांग्रेस को देता है तो उसको लगे उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उसके लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई। मैं यहाँ पर क्लोजिंग में भी सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप बताएं कि आम जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ। ये क्लोजिंग हम कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम की, तो फाइनल व्यू के हिसाब से मैं फाइनल व्यू मेरा ऐसा है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जिस तरह से अगर विधायकों को ये अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकते हैं या कोई पार्टी बदल सकते हैं या मत मतांतर के कारण वो राजस्थान का हित करने की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विधानसभा का जो जो वहां पर जनमत है उससे राइट टू रिकॉल यानी अपने विधायक को वापस घर बैठाने का एक अधिकार होना चाहिए। कई देशों के अंदर इस तरीके का है, भारत में भी अगर परंपरा शुरू होगी तो मुझे लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग इस तरीके की चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, मैं विनय जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपकी सरकार है, क्या आम जनता की आपकी सरकार को चिंता नहीं है? आम जनता अभी इस वक्त जाए तो जाए कहां? कि आम जनता की पूरी चिंता है सरकार को, पूरे काम उसी तरह चल रहे हैं और ये तो कई बार परिस्थितियां बन जाती है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें वापस वही चीजें चालू हो जाएंगी। आप देखना सरकार इस तरह और अशोक गहलोत के उसमें पूरी तरह से पूरी हर आम जन खुश है, आप भी जानते हैं कोरोना हो हर जो हर चीज में वो ध्यान खुद रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत अच्छे सीएम है हमारे जी। अशोक गहलोत खुद खुश नजर आ रहे हैं जी। अलका जी आप बताइए कि आपके फाइनल व्यू क्या है, कि क्या सरकार को स्थिर रहना चाहिए, क्या आप सोचती हैं आम जनता जो है वो कहां जाए? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि बहुमत के हिसाब से निर्णय होता है, लेकिन फिर भी आम जनता को थोड़ा सा जैसे राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं संजय भाई, राइट टू रिकॉल हिंदुस्तान जैसे देश में बहुत मुश्किल है, लेकिन एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसको मजबूती से लाना चाहिए और वैचारिक रूप से ये जरूर हमको देखना चाहिए और इसके लिए जनता भी एजुकेट हो कि जो विचारधारा आधारित लोग हैं, जो जो वैचारिक रूप से परिपक्व और इस तरह के हैं, तो हम पार्टी के साथ साथ कैंडिडेटर को देखकर भी अगर वोट देंगे तो बहुत कुछ स्थितियां बदल सकती हैं जी, बहुत सी स्थितियां बदल सकती हैं। आलोक जी आप अपने फाइनल व्यू में क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी मैं अपने फाइनल कमेंट्स में दोनों ही, क्योंकि मैं तो हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष बात करता हूं, तो मैं दोनों ही राजनीतिक दलों से, दोनों ही नहीं देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो यही कहूंगा कि देश में जो स्थिति आ गई है ना, समय है विषम परिस्थितियों का, ये समय है विषम परिस्थितियों का, फिर भी आप चाहेंगे ना अगर ईमानदारी से रहेंगे तो मन में उल्लास करें, पथ के जो अवरोध है उनको विश्राम समझ के अब तो अपने कर्तव्यों का बोध करो। आपके पथ में अवरोध आ रहे होंगे, आपसी लड़ाई है झगड़े हैं, पथ के अवरोधों को विश्राम समझ अब कर्तव्यों का बोध करो, मन प्रफुल्लित कर सत्य दीप को प्रज्वलित करो। जिस देश जब आजाद हुआ था, जब ये कहा गया था पहले दिन राष्ट्रपिता ने भी कहा था कि हम सच्चाई पे देश को लेके चलेंगे, तो मन प्रफुल्लित कर सत्य दीप को प्रज्वलित करें, तीव्र गति से सारे राजनीतिक दल मिलकर आओ, कृपया हृदय को पवित्र करें, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर आए, जनता का ध्यान रखें, जनता ही चुन के भेजती है, मैं तो जनता की आवाज बनकर आता हूं और जनता की आवाज के नाते ही आप सबसे यही अनुरोध कर पाता हूं। बिल्कुल, सिटी लाइफ को पवित्र करें, जनता का ध्यान रखें। सभी सरकार, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो राजनीति है वो समाज सेवा का कार्य है, आम जनता की सेवा का काम है, इसे अपने निजी स्वार्थ में जोड़ते हुए न देखें, और अगर आप निजी स्वार्थ में जोड़कर देखते हैं तो आने वाला कल जो है वो आपका सुखद नहीं होगा। इसलिए आप आम जनता का ख्याल रखें, अपने प्रदेश की जनता का ख्याल रखें, अपने देश की जनता का ख्याल रखें, और आप अपने आप को मजबूत करें, तब जाकर हमारे समाज, हमारा देश मजबूत होगा और हम एक दुनिया में अलग पहचान हमारे देश की बना पाएंगे। आप सभी का, आलोक जी आपका, विनय जी आपका, अलका जी आपका और संजय गौड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि उनका कोई विषय हो तो वो हमें जरूर बताएं ताकि अगले कार्यक्रम में हम उस मुद्दे को एक बार फिर उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दीपक जी आपका, आपका और टीम सिटी लाइव का भी आभार कि आपने इतने ज्वलंत विषय को आज उठाया, आपका और टीम सिटी लाइव का सभी का हृदय से आभार। City Live, a platform to sharing your thoughts.